Oh, well, first of all, I would want to congratulate the Merchant family and Akhil here, who is the youngest person that I've known, is doing so good with his life, and he's already achieved so much just being 19-year-old. He's already a CEO at 19. He's making his family proud, and now he's come up with this innovative, one of its kind app, Wash and Dry. It is a laundry app. Up apne जैसे अभी सारी दुनिया जो है वो अपने फ़ोन पे हो गई है, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ हो, सो व्हाई नॉट दिस विच इज़ द बेस्ट थिंग. अपने क्लेनलीनेस जो है वो भी हम अपने उंगलियों पे भी पा सकते हैं. अभी हमको घर से बाहर निकल के वी डोंट रियली हैव टू गो एंड गिव आर क्लोथ्स फॉर वॉशिंग अ स्टफ. दीज पीपल आर गोइंग टू कम होम. इतना हमारे लिए कन्वीनियंट कर दिया है, ईजी कर लिया है कि घर बैठे बैठे हम अपने कपड़े, हम अपने सोफे, हम अपने घर के एक्सेसरी, एवरी थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, क्लेंड, वॉश, ड्राइड एंड रिटर्न टू यू इन एकदम नया करके. सो आई कंग्रेचुलेट हिम, आई कंग्रेचुलेट द होल मर्चेंट फैमिली, एंड आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ दिस बॉय. थैंक यू. जी जी, मैं बहुत नो आई लव इट बिकॉज यू नो आई हैड नो आइडिया. इसके पहले तक अगर कोई ऐप ऐसा था, आई डोंट थिंक सो था. आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ इट्स काइंड ऐप, वॉश एंड ड्राई, जहाँ पे आपको लॉन्ड्री सर्विसेज आपके फ़ोन पे मिल रही है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड, एंड यू नो मोस्ट ऑफ माई थिंग्स आर डन ऑनलाइन. क्योंकि आजकल जिस तरीके की बिजी लाइफस्टाइल सब जी रहे हैं, नॉट वी डोंट रियली हैव द टाइम टू गो एंड यू नो डू दिस बाय आवरसेल्फ. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है कि अभी ये घर आके ये भी एक जो लॉन्ड्री का जो इशू होता है, कपड़े धोने का, ड्राई करने का, और योर अदर एक्सेसरीज इन योर हाउस लाइक द कार्पेट्स एंड योर सोफाज एंड योर कुशन कवर्स, योर सॉफ्ट टॉयज, एवरी थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. आपको सिर्फ घर बैठ के इनको एक बटन दबा के घर बुलाना. सिर्फ क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ इसलिए नहीं. आई थिंक हर एक इंसान को अपने पहनावे पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है, क्योंकि आपका पहनावा बताता है, बहुत ज़्यादा स्पीक करता है आप जिस तरीके के इंसान हो उस के बारे में. भले ही आप यू नो मे बी यू माइट बी द रिचेस्ट पर्सन, बगर आप अगर गंदे कपड़े पहन के या यू नो ऐसे बाहर निकल के आओगे, सो पीपल विल स्टिल हैव क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि भाई क्या हो गया. सो आई थिंक लोगों का जो पहनावा होता है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स द पर्सन यू आर. एंड नाउ मिस्टर अखिल मर्चेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. आपको जाना जरूरी है. नहीं, बहुत बार होता है. आई मीन समटाइम्स व्हेन यू गिव, और स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग योर ये जो बहुत ज़्यादा जरी वाले कपड़े होते हैं ना, ये सारे होते हैं जो आप घर पे नहीं वॉश कर सकते हो, देन यू गिव इट टू अ लॉन्ड्री एंड समटाइम्स दे आर नॉट रियली एबल, जो हम जिस वजह से उनको देते हैं वो स्टेन या वो सब वो प्रॉपरली नहीं निकाल पाते. कभी कभार आप लॉन्ड्री में कपड़े देते हो तो वो आपके दो साइज छोटे होके वापस मिलते हैं. सो यू नो टू अवॉइड ऑल दैट ट्रबल, आई थिंक हियर वी हैव द मैन हियर, एंड आई थिंक अभी आज से माई लॉन्ड्री इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. तो हमारा ऐप्स और इतना कन्वीनियंट है कि आप किधर भी हो, कैसे भी हो, आपके घर पे आपको बुलाना है, आपके ऑफिस पे आपको बुलाना है, और यू आर एट एन इवेंट किधर भी हो, आपको वहाँ से आके लेकर जाएंगे. यू कैन चूज अनदर डिलीवरी यू नो प्लेस वे यू वांटेड टू डिलीवर, तो वहाँ पे आके डिलीवर करके जाएंगे. प्लस जो टाइम है रहता नहीं लोगों के पास आजकल, तो एक बटन दबा तो हो जाएगा. जल्दी चाहिए वो फैसिलिटी भी दे रहे, और जो चीज़ें हम कर रहे हैं हर चीज़, जहाँ से आपके बैग्स, आपके यू नो बैकपैक्स, आपका सोफ़ा, लॉन्ड्री, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जी. तो आपको भी हम धोने का टाइम थोड़ा कर देंगे थोड़ा टाइम बाद. बाकी तो बहुत सारी ऐप है, लेकिन इसमें अलग से क्या है? तो अलग से ये है ऐप जो हमारे प्राइसिंग भी, इफ़ यू सी हमारे इस मार्केट में ये प्राइसिंग आई गारंटी आपको नहीं मिलेगा. जो कंपेटिटिव मार्केट है, वी कैप द प्राइस ऑल्सो दैट कॉमन मैन कैन यूज इट, सो वी गिव द बेस्ट थिंग. और हाइजीन, वे वी कम ओवर हाइजीन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स विच वी टेक केयर ऑफ. तो हम लोग एक कस्टमाइज यू नो लिक्विड लाए हैं
जिससे आपका ना फैब्रिक खराब होता है और आपका क्लीनिनेस भी मेंटेन रहता है. That's how we're going to be different from others. इंडिया लेवल पे है क्या मुंबई में? अभी इनिशियली मुंबई लेवल पे है, बट वेरी सून वील बी गोइंग टू द मेट्रो सिटीज एज वेल. क्योंकि मैम है ही इतने अच्छे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑनेस्टली आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ मैम. वो जब भी जहाँ भी उनकी हर मूवी मैंने देखी है उनको. एक्चुअली ना एक बार मैं एयरपोर्ट से मैं जा रहा था डैड को पिकअप करके, उनकी गाड़ी को मैंने फॉलो किया था. आई स्टिल रिमेम्बर की जस्ट टू सी हर. तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. सो सिंस माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई डैड ही न्यू मैम वेरी वेल, सो दैट्स वाई उनको ही लाना था. देयर वाज नो अदर ऑप्शन. सर ऑफकोर्स पूरा पर्सनल अटेंशन इसी को रहता है, क्योंकि हर एक कपड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. भले ही एक सूट हो या एक ड्रेस हो या टी शर्ट हो, हर कपड़े को हम वो ध्यान रखेंगे कि उसको बराबर वॉश हो, पैक हो, स्टेन है वो निकले, जले नहीं. यू नो बहुत सारी चीज़ टाइम होता है स्टेन निकलता नहीं है, और ये क्लोथ्स यू नो दे टेयर एट टाइम्स, पैकिंग में इस्त्री घर पर बराबर नहीं पहुँची. तो ऑफकोर्स हमारा पूरा ध्यान हर कपड़े पर रहता है ताकि हम हमारे कस्टमर्स को हर चीज़ दे सकें. Well, I have a couple of films that are going to be starting end of October and then November. I'll also be doing a Punjabi film. I don't want to talk much about it right now because this is a different agenda right now that we are here for. But hum baad mein kabhi jab sirf meri filmon ke bare mein baat ho rahi hogi, that time I will give you an entire list of my forthcoming work. I'm just going to say that, you know, this year looks great for me and towards the end a lot of things are going to be happening. Isko main bahut strongly manti hu kyunki maine I have tried being otherwise also and I've seen how the focus just goes away, so I think it's just better to be single. मैं सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी. गणेश चतुर्थी जो है वो हमारे देश में बहुत ही लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट किया जाता है. अभी सबके घरों में जाके दर्शन भी करने हैं, अच्छे अच्छे मोदक खाने हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वेल ऑफकोर्स सबसे बड़ी फेवरेट तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो गॉड है और गॉड सभी एक जैसे होते हैं, उसमें से फेवरेट नहीं चूज कर सकते हैं. बट आई थिंक हमारे मुंबई में सबसे बड़ा तो लालबाग का राजा ही है एंड यू नो आई थिंक आई वुड वांट टू. ओह माय गॉड, यू नो इट इज इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट व्हेन एवर आई हियर हिम अबाउट फॉलिंग इल, क्योंकि रिसेंटली वो थोड़ा उनकी तबीयत थोड़ी खराब रही है एंड ही इज द He's a legend, you know. He's been generation से generation. मेरी जो नानी थी वो उनकी सब बड़ी फैन थी, you know. तो मैं जितना भी उनके बारे में बोलूँ वो कम है. मैं बस दिल से चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि उनकी तबीयत जल्द से ठीक कर दे. थैंक यू. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.